सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को, और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए अगर आपने आवेदन किया है और आपको अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि की एक भी किस्त नहीं मिली है, या आपका पहली, दूसरी या तीसरी किस्त में आपको एफटीओ या आरएफटी या पीएफएमएस का कुछ दिखा रहा है कि पीएफएमएस ने आपका बैंक जो अकाउंट है वो रिजेक्ट कर दिया है, या किसी भी तरीके से आपको जो कोई प्रॉब्लम आ रही है पीएम किसान सम्मान निधि के आवेदन में, आपको अगर कोई समस्या है तो उस बारे में दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी इसमें आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है, जिससे आपको इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहली, दूसरी और तीसरी किस्त के बारे में और चौथी किस्त के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, साथ ही एफटीओ, आरएफटी और पीएफएमएस ये क्या होता है इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पे हम आ जाएंगे और यहाँ फार्मर कॉर्नर पे सबसे पहले हम बेनिफिशियरी स्टेटस अपना चेक करेंगे, इसके लिए कि हमारा जो स्टेटस है उसमें क्या दिखा रहा है, और अभी स्टेटस में क्या दिखा रहा है उसके लिए बेनिफिशियरी स्टेटस इस तरह से क्लिक कर लेंगे। और यहाँ दोस्तों हम अपना आधार नंबर या जो अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो स्टेटस है उसमें क्या दिखा रहा है। तो दोस्तों, आधार नंबर या अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर के माध्यम से हम यहाँ चेक कर लेंगे, और यहाँ अपना आधार नंबर या अकाउंट नंबर कोई एक डालेंगे, उसके बाद गेट डेटा पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों इस तरह का हमारा ये स्टेटस आ जाता है, और यहाँ हमें जो जानकारी पहले चेक करनी है, हमारा जो स्टेटस है उसको हमें चेक करना है। तो यहाँ क्या हमें चेक करना है, सबसे पहले हम अपना अकाउंट नंबर अपना चेक कर लेंगे। अकाउंट नंबर का अब 4 डिजिट यहाँ केवल दिखाएगा आपको, तो आपको लास्ट जो 4 नंबर हैं वो चेक कर लेना है, और आईएफएससी कोड आपको चेक कर लेना है। सबसे पहले यही आपको चेक करना है कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो सही है या नहीं है, क्योंकि अगर ये आपका सही नहीं होगा तो आपके पास, अगर आपकी पूरी जानकारी सही भी होगी तो आपको एक भी किस्त इसकी नहीं मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आपको एक्टिव और इनएक्टिव देख लेना है यहाँ स्टेटस में। यहाँ एक्टिव दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है ये देख लेना है। उसके बाद पीएफएमएस और बैंक का स्टेटस क्या है यहाँ आपको मिल जाएगा, देख यहाँ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो स्टेटस में जो दिखा रहा है वो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ क्या दिखा रहा है। तो यहाँ फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड बाई पीएफएमएस बैंक यहाँ दिखा रहा है, तो यानी पीएफएमएस ने आपका जो रिकॉर्ड है जो बैंक का वो गलत होने के कारण आपका आवेदन उसके कारण से रिजेक्ट कर दिया है, और उसका रीज़न क्या है रीज़न भी यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ आपको बता देता हूँ जो रीज़न है, आप देख सकते हैं यहाँ डेटा रिजेक्शन रीज़न लिखा है, बेनिफिशरी इज रिजेक्टेड एस अकाउंट टाइप इज अदर देन SB, SBA या GD। अब इसका क्या मतलब होता है ये आपको बता देते हैं। यहाँ अगर आपके भी स्टेटस में इस तरह का कुछ लिखा हुआ है कि टाइप इज अदर देन SB, SBA या GD, यानी सेविंग बैंक अकाउंट या जनधन बैंक अकाउंट, यानी बचत खाता आपका होना चाहिए, चालू खाता जिसको बोलते हैं, यह आपका होना चाहिए अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ये आपका ये होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको ये बता देते हैं पीएफएमएस का जो पीएफएमएस और बैंक का जो दिखाता है इसका क्या मतलब होता है। पीएफएमएस का मतलब होता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये केंद्र सरकार का एक सिस्टम है जो कि आपको सब्सिडी जो भेजता है। तो पीएफएमएस के माध्यम से आपको जो सब्सिडी आती है पीएफएमएस के माध्यम से आती है। तो जब आप पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन करते हैं तो पीएफएमएस आपकी जो बैंक डिटेल होता है और आपका जो आधार नंबर होता है उसके माध्यम से आपको वेरीफाई करता है कि आप वही आदमी हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, और आपकी पूरी डिटेल सही है या नहीं है, ये सारी चीज़ें पीएफएमएस चेक करता है जब आपका स्टेट लेवल से आपका आगे जब पीएफएमएस के पास आपका आवेदन जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं जो रिजेक्टेड हो रखा है तो एक भी इंस्टॉलमेंट यहाँ नहीं मिल रखी है। अब आपको मैं दूसरा स्टेटस आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं पीएफएमएस और बैंक का जो स्टेटस दिखा रहा है एक्सेप्टेड दिखा रहा है, अकाउंट नंबर यानी सही है। अगर पीएफएमएस का एक्सेप्टेड दिखाता है तो अकाउंट नंबर सही होता है, और अगर रिजेक्टेड दिखाता है तो अकाउंट नंबर गलत हो सकता है,
या IFSC कोड गलत हो सकता है, या फिर उसमें आधार लिंक नहीं होगा तो भी रिजेक्टेड दिखाएगा, क्योंकि आधार नंबर जो है कंपलसरी है बैंक से लिंक होना। जो अकाउंट आपने इसमें दिया है वो अकाउंट लिंक होना चाहिए बैंक से। साथ ही अगर आपका एक्सेप्टेड दिखाता है तो PFMS की रिस्पॉन्स डेट भी यहाँ दिखाता है। रिस्पॉन्स डेट के जब आपका PFMS रिस्पॉन्स डेट जो आपका दिखाता है तो यहाँ जिस दिन PFMS आपका एक्सेप्ट कर लेता है वो डेट दिखाता है। ऊपर रजिस्ट्रेशन की डेट आपको दिखाता है, यहाँ आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की डेट दिखा रहा है। तो इस रजिस्ट्रेशन की डेट से आपको इसकी किस्त मिलनी चालू हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है नेक्स्ट मंथ इसमें मिल रखी है। तो अब आपको बता देते हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इसमें UTR नंबर वगैरह नहीं दिखा रहा है और क्रेडिट डेट दिखा रहा है, यानी कि इस दिन को आपके अकाउंट में इसकी दूसरी किस्त आ चुकी है। UTR नंबर अगर आपके नहीं आया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको FTO का बता देते हैं, FTO का क्या है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस में दिखा रहा है, तीसरी इंस्टॉलमेंट में दिखा रहा है FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग। FTO मतलब होता है फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर इज जनरेटेड, यानी फंड ट्रांसफ़र का ऑर्डर आपकी जो तीसरी किस्त है उसके लिए हो चुका है और पेमेंट का जो कन्फर्मेशन है वो अभी पेंडिंग में है, यानी कि आपको जो तीसरी किस्त है वो आपको जल्द ही मिल जाएगी। अगर आपका FTO जनरेटेड दिखाता है तो आपको इसकी तीसरी किस्त या दूसरी किस्त या चौथी किस्त, कहीं भी अगर FTO जनरेटेड दिखाता है और पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग दिखाता है तो आपको जो किस्त है जिसमें कि ये दिखा रहा है वो आपको जल्दी मिलने वाली होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो स्टेटस है आपको उसमें बता देता हूँ, इसमें भी कुछ जानकारी आपके लिए है। तो इसमें अब आपको RFT, इसमें RFT का मतलब आपको बता देते हैं। RFT जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में RFT दिखा रहा है, तो यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में RFT इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो यहाँ रजिस्ट्रेशन की डेट है 25/11/2019 है, यानी अभी अभी ये नया रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो इसलिए यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। और जो PFMS की रिस्पॉन्स डेट है 26/11/2019 है, यानी कि अभी पिछले महीने ही ये कन्फर्म हुआ है आवेदन। तो अब इसमें जो RFT साइंड बाई स्टेट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिखा रहा है, तो RFT का मतलब होता है रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफ़र, यानी आपकी जो पहली किस्त है PM किसान सम्मान निधि की वो आपके स्टेट ने रिक्वेस्ट कर ली है PFMS से या केंद्र सरकार से कि आपको जो पहली किस्त है वो आपको भेज दी जाए। तो RFT का मतलब होता है रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफ़र, और RFT के बाद ही दोस्तों आपका जो RFT अगर आपका दिखाता है तो उसके बाद FTO दिखाता है। तो RFT पहले दिखाएगा उसके बाद FTO दिखाएगा, और FTO जब कंफर्म हो जाएगा तब आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाती है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं RFT साइंड बाय स्टेट का मतलब ये आपका हो जाता है। और अगर पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट दिखाता है तो इसका मतलब कि आपकी जो जानकारी है वो गलत है, और जो जानकारी गलत होगी वो आपकी अगर स्टेट का स्टॉक दिखा रहा है तो आपकी जो ज़मीन की डिटेल्स होती हैं वो गलत होती हैं, यानी कि आपका जो खाता नंबर होता है वो आपका साझा खाता होगा, यानी ज्वाइंट अकाउंट आपका होगा ज़मीन का, तो आपने उसमें सिंगल कर दिया होगा तो इसलिए आपका ये स्टॉक दिखा देता है। तो इसके लिए आपको अभी आगे बता दूंगा कि कैसे आपको ये सारी चीज़ें सही करनी है। अब दोस्तों नेक्स्ट आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ ये देख रहे हैं ये कैसे आपको स्टेटस चेक करना है नया आवेदन करने के बाद कि आपका जो आवेदन है कहाँ तक पहुँचा है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आप फार्मर नेम, फादर नेम जिसने अप्लाई किया है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, रजिस्ट्रेशन की डेट जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ था, और उसके बाद रीमार्क में आप यहाँ देख सकते हैं रीमार्क में आपको दिखाता है कि अभी आपका जो एप्लीकेशन है कहाँ तक पहुँचा है। तो यहाँ आप रिमार्क में देख सकते हैं अप्रूव हो चुका है, लेकिन अप्रूव स्टेट से हो चुका है लेकिन अभी आपका जो आगे की प्रोसेस के लिए पेंडिंग है। तो पेंडिंग है मतलब PFMS के पास ये गया है और PFMS उसके बाद आपकी जो सबसे पहले जो आपकी जो डिटेल्स हैं वो चेक करेगा, आपका फार्मर नेम आपके बैंक नेम से चेक करेगा, फिर आपके आधार नेम से चेक करेगा, फिर आपका जो आधार है वो अकाउंट में लिंक है या नहीं है वो चेक करेगा, और अकाउंट नंबर सही है या नहीं है, और IFSC कोड सही है या नहीं है, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा, इनका वैलिडेशन करेगा, और उसके बाद आपका ये एक्सेप्टेड दिखा देगा और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद आपको किस्तें मिलनी शुरू हो जाएंगी।
ये सारी डिटेल्स आप मोबाइल में चेक कर सकते हैं इसी प्रोसेस से। तो ये कैसे आपको स्टेटस चेक करना है, इसके लिए आपको फार्मर कॉर्नर पे स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड या CSC फार्मर, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ उसके बाद इस तरह से सेम इसी तरह आधार नंबर आप डाल देंगे और उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, सर्च करेंगे तो आपको इसी तरह का स्टेटस आपको दिखाएगा आपका। अगर आपने नया आवेदन किया है तभी आपको ये दिखाएगा, और जिस दिन आपका इधर ये अप्रूव दिखाने लग जाएगा उसके कुछ ही दिनों बाद आपका ये स्टेटस शो नहीं करेगा, आपको फिर मेन स्टेटस में जो बेनिफिशरी स्टेटस है वो आपको दिखाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, और अब आपको बेनिफिशरी लिस्ट कैसे आपको देखनी होती है वो भी आपको बता देता हूँ। बेनिफिशरी लिस्ट जो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है या जो आपका विलेज है वहाँ की बेनिफिशरी लिस्ट, यहाँ से आप उसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। जब आप आवेदन कर लेते हैं और आपको स्टेटस नहीं दिखाता है तो यहाँ से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। इस तरह से स्टेट डालेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, फिर सब डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, फिर ब्लॉक इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, अपना विलेज का नाम उसके बाद यहाँ ढूंढ लेंगे। विलेज का नाम इस तरह सेलेक्ट करने के बाद गेट रिपोर्ट करेंगे, और उसके बाद फार्मर नेम में आपको अपना नाम ढूंढ लेना है। साथ ही आप इसमें देख सकते हैं कि आपके गांव में किन किन लोगों को PM किसान सम्मान निधि का जो लाभ है वो मिल रहा है। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ, अगर आपका जो खाता नंबर गलत हो रखा है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, बिहार और राजस्थान को छोड़ के वहाँ ऑनलाइन होते हैं, तो ऑफलाइन तरीका क्या है वो आपको बता रहा हूँ। तो ये ऑफलाइन तरीका है दोस्तों, ऑफलाइन इस तरह से आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ, इसका PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है। तो ये एप्लीकेशन आपने इस तरह से लिख लेना है, अकाउंट नंबर में करेक्शन के लिए ये एप्लीकेशन है। इसी तरह से आप एप्लीकेशन लिखेंगे, सेम फॉर्मेट यही रहेगा, और इसमें आपने अपनी डिटेल्स ऐड कर देनी है साथ में। जैसे कि यहाँ आप अपना नाम लिख लेंगे, यहाँ आप अपना नाम लिख लेंगे और नीचे अपनी डिटेल्स डाल देंगे, और ऊपर आप यहाँ आप अपना जो डिटेल्स इसमें और ऐड करेंगे, यहाँ आपने वो डिटेल्स ऐड करनी है जिनको आप ये एप्लीकेशन देंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है जिलाधिकारी को या उपखंड अधिकारी को देंगे या फिर कृषि विभाग के किसी अधिकारी को देंगे, तो उसका पदनाम आपने यहाँ लिख लेना है। उसके बाद तहसील, जिला और स्टेट लिखेंगे, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा अगर आपका खाता नंबर गलत है उसके लिए। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ, अगर आपका आधार नंबर भी अगर आपका गलत हो रखा है तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो आधार नंबर अगर आपका गलत है तो ये आपका आधार नंबर सही करने के लिए जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है ये आपका है, क्योंकि दोस्तों आधार नंबर आप ऑनलाइन सही कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपका जो गलत आधार नंबर है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, तो वो आपको मालूम होगा ही नहीं, तो इसलिए आपको ये ऑफलाइन तरीका इसके लिए ये अवेलेबल है। तो इसमें दोस्तों आपने इसी तरह आपका ये भी है, यहाँ आपको किस अधिकारी को आप ये भेजेंगे प्रार्थना पत्र, वो उसका पदनाम लिखेंगे, फिर तहसील, जिला, राज्य, और इस तरह से ये सेम रहेगा। यहाँ उसके बाद आप अपना आधार नंबर आगे लिख लेंगे, और यहाँ जहाँ ये लिखा हुआ है आवेदक अपना नाम लिखें, यहाँ अपना नाम लिख लेंगे, और यहाँ यूनिक बेनिफिशरी ID, ये आपका स्टेटस में आपको दिखाता है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन स्टेटस, और रजिस्ट्रेशन डन के बाद जो एक ID टाइप का कुछ नंबर लिखा हुआ है ये आपका यूनिक बेनिफिशरी ID होती है, वो आपने यहाँ लिख लेनी है, और उसके बाद इसको आपने सबमिट कर देना है, या तो आप तहसीलदार को ही दे सकते हैं। तो यहाँ तहसीलदार का नाम लिखेंगे, यानी तहसीलदार का पदनाम लिखेंगे, तहसीलदार अधिकारी, या फिर आप किसी और अधिकारी को देंगे तो उसका पदनाम लिखेंगे और उनको ये दे देंगे। तो इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं और ये सही करा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये सारी डिटेल्स आप एक बार चेक करेंगे, और अगर आपकी कोई जानकारी इसमें गलत है तो आपकी क्या जानकारी गलत है उसका पूरी डिटेल्स आपको बता दी है इस वीडियो में, कि PFMS का क्या मतलब होता है, FTO, RFT और स्टॉप बाय स्टेट अगर पेमेंट आपकी दिखा रहा है कोई इंस्टॉलमेंट में, तो ये सारी चीज़ें आपको ये बता दी हैं। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो है वो भी आपको अब मिलने लगी है, उसमें जैसे कि आप ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ FTO दिखा रहा है, FTO यानी पेमेंट जो है अब आने वाली है। तो अगर आपको भी पहली, दूसरी, तीसरी किस्त अगर नहीं मिली है तो और कुछ प्रॉब्लम है तो इस तरह से आप उसको सही करवा सकते हैं, और पूरा प्रोसेस इस तरीके से ये आप कर सकते हैं, मोबाइल से ही आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और इसके अगर आपने जो आपका जो FTO जब जनरेटेड दिखाता है तो इसके
आपको कम से कम 20 से 25 दिन बाद आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आती है, और RFT होने के कम से कम 40 दिन बाद आपकी पेमेंट आती है। यानी कि आपकी जो पहली किस्त होती है, पहली और दूसरी किस्त के बीच में जो गैप रहता है, वैसे 4 महीने का गैप इसमें रहेगा, जो 4-4 महीने के गैप में आपको इसकी इंस्टॉलमेंट मिलती है। लेकिन आपको इसमें कुछ जो इंस्टॉलमेंट हैं वो जल्दी भी आपको मिल जाती हैं। उसका कारण ये होता है आपका रजिस्ट्रेशन की डेट, यानी आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट होती है उसके बाद से ही आपकी जो पेमेंट होती है उसको गिना जाता है। तो उसके बाद आपको इस तरह से ये जो आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इंस्टॉलमेंट है, अगर आपको FTO या RFT या स्टेट बाय स्टेट दिखा रहा है तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करके और आप अपना जो आपका जो आवेदन है उसमें सुधार कर सकते हैं। बैंक डिटेल गलत है तो बैंक डिटेल सही करवा सकते हैं, आधार नंबर गलत है तो आधार नंबर सही करवा सकते हैं, और अगर बैंक में आधार नंबर लिंक नहीं है तो आधार नंबर आपको लिंक करा देना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप PM किसान सम्मान निधि के आवेदन में आप अपनी सारी डिटेल्स सही कर सकते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी किस्त और चौथी किस्त की जो भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह से सही कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।